के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक, गौंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा। बंटी बबली की तर्ज पर घरों में चोरी करने वाले दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, कीमती जेवरात के साथ नकदी भी बरामद, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बीजेपी ने आपातकाल विरोध दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया, आपातकाल के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को किया गया सम्मानित। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूता, मोजा, बैग वितरण व शिक्षकों के समायोजन संबंधित बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर की ओर से बाढ़ से पूर्व एक दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने और उससे बचाव के प्रति किया गया जागरूक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधु की मासिक समीक्षा बैठक, उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध ढंग से निस्तारण के दिए निर्देश। पुलिस लाइन में प्रशिक्षु महिला आरक्षियों को दी गई स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जानकारी, डॉक्टर श्रुति वाचड़े ने कहा भाग दौड़ की जिंदगी में रखें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के आम सभा की बैठक का किया गया आयोजन, ग्राम न्यायालय के विरोध और प्रयागराज हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना पर हुई चर्चा। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार पर गोष्ठ की बैठक, व्यापारियों के समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों द्वारा बाढ़, आग, जहरीली गैसों से बचाव और भूकंप के दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की लगाई गई प्रदर्शनी, दी गई जानकारी। मंडल स्तरीय प्रतियोगिता सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में गोरखपुर की टीम ने महाराजगंज को 4-2 से हराकर बनी विजेता। और मंगलवार को मौसम ने बदला करवट, आंधी के साथ हुई हल्की बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत, तापमान में 2-3 डिग्री की दर्ज की गई गिरावट।